أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والے ہیں ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بطخ دکھا رہے ہیں یہ بطخ کے بچے ہیں तो हकीम जालीनूस का कौल है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। हकीम जालीनूस का कौल है, कि बतख का गोश्त खाने से कभी भी दिल के अमराज नहीं होते, यानी कोई भी इंसान बतख का गोश्त अगर महीने में एक दो बार खा ले तो उसको कभी भी दिल के अमराज नहीं होंगे। ये हकीम जालीनूस का कौल है। तो नाज़रीन कराम हम आपको बतख के बच्चे दिखा रहे हैं, ये देखें। बतख का गोश्त खाने से दिल के अमराज नहीं होते, वल्लाहु आलम, ये हकीम जालीनूस का कौल है। तो हकीम जालीनूस का फरमान है कि कभी भी बतख का गोश्त खाने से दिल के अमराज नहीं होते, यानी दिल के वाल बंद नहीं होते, खून में कोई ख़राबी इनके गोश्त से नहीं होती। बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो नाज़रीन कराम हकीम जालीनूस के मतलब कहा जाता है कि दिब मुर्दा थी उसने ज़िंदा किया। तो अपने ज़माने का एक बहुत ही लायक और काबिल इंसान था जिसका ये कौल है कि बतख का गोश्त खाने से दिल के अमराज नहीं होते। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।